2024 ये साल एनिमे के हिंदी ऑडियंस के लिए कमाल का रहा। इस साल काफी सारे नए एनिमेज हमें हिंदी डब में देखने को मिले, प्लस जो पुराने हाई रेटेड एनिमेज थे उन्हें इस साल हिंदी में डब करके रिलीज किया गया। एंड दैट्स व्हाई मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ टॉप 7 बेस्ट एनिमेज ऑफ 2024 जिन्हें की इसी साल हिंदी में रिलीज किया गया है। सो चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 वायरल हिट। सो ये एक कोरियन एनिमे है बिल्कुल ही लुकिज्म की तरह जो कि इसी साल रिलीज हुई है। एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है होबिन को जो कि काफी ज्यादा कमजोर होता है और इसीलिए इसे काफी सारे लोग बुली करते हैं, बट इसे एक्सीडेंटली एक सीक्रेट यूट्यूब चैनल मिलता है जिसने इसकी लाइफ बिल्कुल ही बदल दी। और वो कैसे, वो तुम एनिमे में देखना, जिसका सिर्फ एक सीजन है वो भी 12 एपिसोड के साथ, जिसे कि तुम हिंदी में क्रंची रोल पे देख सकते हो। मैं समझ गया तुझे बस यही किक मारनी आती है। नंबर 6 दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज स्लाइम। सो ये एनिमे 2018 में रिलीज हुई थी बट इस साल इसे हिंदी में रिलीज किया गया। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 37 ईयर ओल्ड मिनामी सातोरू को, जिसका मर्डर हो जाता है और फिर वो रीइनकार्नेट होती है एक दूसरे वर्ल्ड में एक स्लाइम के रूप में। एंड इसके बाद इसकी स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है वो तुम एनिमे में देखना, जिसके टोटल 3 सीजन है और ये म्यूज इंडिया के हिंदी चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। और अब मुझे दूसरा जन्म मिला है स्लाइम के रूप में। नंबर 5 विंड ब्रेकर। सो ये एनिमे इसी साल रिलीज हुई है और इसकी स्टोरी फॉलो करती है साकुरा हारुका को, जो कि फ्यूरिन हाई के टॉप पे पहुंचना चाहता है। एंड हमें इसकी इसी जर्नी को दिखाया जाता है कि कैसे साकुरा धीरे धीरे बदलता है और अपने दोस्त बनाता है और अपनी लोनलीनेस को दूर करता है। एनिमे का सिर्फ एक सीजन है 13 एपिसोड के साथ, जिसे कि तुम हिंदी में क्रंची रोल पे देख सकते हो। अब लड़ाई होगी हमारे और फ्यूरिन के। नंबर 4 हाईक्यू बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे जो कि मैंने अभी तक देखा है। हाईक्यू उन एनिमेज में से एक है जिसे कि तुम एक बार अगर शुरू कर देते हो तो उसे खत्म करके ही मानते हो। एनिमे के जो इंटेंस मैचेज हैं और कॉमेडी है वो तुम्हें एंगेज रखते हैं, प्लस कैरेक्टर्स के बॉन्डिंग को जिस तरह से डेवलप किया गया है थ्रू आउट द सीजन वो तुम्हें इन कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। एनिमे का टोटल 4 सीजन है लेकिन इसका सिर्फ एक सीजन ही हिंदी में अवेलेबल है, जिसे कि तुम क्रंची रोल पे देख सकते हो। मुझे पता है हम टूर्नामेंट तक तो पहुंच गए हैं, अब हमें बस इसे जीतना है। नंबर 3 डॉक्टर स्टोन। सो इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे वर्ल्ड को जहां पे एक मिस्टीरियस फिनोमिना के वजह से अर्थ के सारे लोग पत्थर में बदल जाते हैं और फिर अब अपना मेन कैरेक्टर सेंकू जो कि एक साइंटिफिक जीनियस है कैसे अपने सिविलाइजेशन को रीस्टोर करता है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनिमे के टोटल 3 सीजन है जिसका पहला सीजन तुम्हें हिंदी में क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या सोचने वाली बात नहीं कि हम दोनों एक साथ बाहर कैसे निकले 3700 साल बाद सिर्फ 6 महीने के अंतर पर। हर इत्तेफाक। नंबर 2 सोलो लेवलिंग। सो इस एनिमे को तुम में से काफी सारे लोगों ने देख रखा होगा क्योंकि यार जब ये आई थी तो इसने काफी ज्यादा हाइप बनाया था। एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है संग जिन वू को, जो कि वीकेस्ट हंटर से कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है इसी जर्नी को दिखाया गया है। एनिमे का एक सीजन है जो कि हिंदी में क्रंची रोल पे अवेलेबल है और यार इसका सीजन 2 भी जल्दी ही 2025 के शुरू में देखने को मिल जाएगा। ये बेहद काम का है, दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। नाउ नंबर 1 काइजू नंबर 8। सो इस एनिमे को लगभग सभी ने देखा होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा हाइप अप थी अपने कमाल के एक्शन और एनिमेशन के वजह से। एंड इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एनिमे का सिर्फ एक सीजन है जो कि हिंदी में क्रंची रोल पे अवेलेबल है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उन्हें खत्म कर दूंगी चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो या यही थे वो 2024 के बेस्ट हिंदी डब्ड एनिमेज जिन्हें तुम्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे ही बवाल एनिमे हैं। और यार अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2, या फिर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।